हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर फ्रेंड्स हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी एन ए क्या होता है और एन किन किन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर जाकर आई बटन पर क्लिक कर, कर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स एन के बाद आज हम बात करने वाले हैं एन के बारे में एनई क्या है किन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अक्रेडिटेशन देता है और एन के अंडर में कितने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को जस्ट इन केस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए सो नेक्स्ट टाइम आपको आई बटन पर जाकर हमारे वीडियोस को ना देखना पड़े तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि एन क्या है और कैसे काम करता है दोस्तों एन ए बी एल यानी नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी कि एन ए बी एल एक अक्रेडिटेशन बॉडी है जिसका अक्रेडिटेशन सिस्टम आई एस ओ आई सी वन सेवन जीरो वन वन के बेसिस पर बना है वो लोग जो आई एस ओ आई सी वन सेवन जीरो वन वन के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बताना चाहेंगे कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कैलिब्रेशन और अक्रेडिटेशन बॉडीज़ के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे कि एक्रेडिटेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकोगनाइज किया जा सके फ्रेंड्स मेनली लैब्स को रेडिटेशन प्रोवाइड करता है जिनमें शामिल हैं टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन अकॉर्डेंस विद आई एस ओ आई ई सी वन सेवन जीरो टू फाइव कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज़ इन अकॉर्डेंस विद आई एस ओ आई ई सी वन सेवन जीरो टू फाइव मेडिकल टेस्टिंग लेबॉरटरीज इन अकॉर्डेंस विद आई एस ओ वन फाइव वन एट नाइन टेस्टिंग प्रोवाइडर्स पी टी पी इन अकॉर्डेंस विद आई एस ओ आई ई सी वन सेवन जीरो फोर थ्री एंड रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स यानी कि आर एम पी इन अकॉर्डेंस विद आई एस ओ वन सेवन जीरो थ्री फोर दोस्तों लास्ट में जो आप कोड देख रहे हैं आई एस ओ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके एन एबीएल अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है वही अगर हम डिसिप्लिन वाइज एन एल अक्रेडिटेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टेस्टिंग लेबोरेटरीज में शामिल हैं केमिकल लेबोरेटरीज बायोलॉजिकल मकैनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लूड फ्लो फॉरेंसिक नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटोमेट्री रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल क्यूए टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटी सिस्टम लैबॉर्ट्रीज वहीं अगर हम कैलिब्रेशन लैबॉर्टरीज़ की बात करें तो इनमें शामिल है मकैनिकल इलेक्ट्रोटेक्निकल फ्लूड फ्लो थर्मल ऑप्टिकल मेडिकल डिवाइज एंड रेडियोलॉजिकल मेडिकल लेबोरेटरीज में दोस्तों शामिल है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी हिमिटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सीरोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी साइटोपैथोलॉजी फ्लोसाइटोमेट्री साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर टेस्टिंग वहीं दोस्तों प्रोफिन्शी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स में शामिल है टेस्टिंग कैलिब्रेशन मेडिकल एंड इंस्पेक्शन वहीं लास्ट में दोस्तों रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स में शामिल है केमिकल कंपोजिशन बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एंड मिशेलिनस प्रॉपर्टीज़ तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिसिप्लिन वाइज देखा कि एन किन किन लेबोरटरीज को अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है तो दोस्तों जो नाम अभी तक हमने शेयर किए इन सभी तरह की लेबोरटरीज को एन ए बी प्रोवाइड करता है दोस्तों एनिबीएल एक म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट यानी कि एम में है आईलैक यानी कि इंटरनेशनल लेबोरटरी अक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और ए यानी कि एशिया पैसिफिक अक्रेडिटेशन कोऑपरेशन के साथ दोस्तों इस म्यूचुअल रिकन के चलते एनए बी एलिटेड लैब्स अदर कंट्रीज में अपने टेस्ट को पाते हैं। या अदर कंट्रीज अपने टेस्ट रिजल्ट को इंडिया में भेज पाती हैं, जो कि म्यूचुअली एक्सेप्टेड किए जाते हैं एनए बी एल काफिकेट दोस्तों दो साल के लिए वैलिड होता है जिसके बाद लैब्स को फिर से इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है अब सवाल ये उठता है कि लैब्स को क्रेडिटेशन की ज़रूरत क्या है जबकि लैब्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडिपेंडेंटली लैब्स के पास प्रॉपर एस नहीं होते हैं जिसके चलते उनके फंक्शनिंग में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और फॉल्स होने पर उनके पास उसके सही सॉल्यूशंस नहीं होते हैं जिससे उनके टेस्टिंग और रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है वहीं लेबोरेटरीज अक्रेडिटेशन से लैब्स को एक फॉर्मल रेकग्निशन मिल जाता है बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी जिससे लैब्स को एक थर्ड पार्टी असेसमेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से टेक्निकल कंपिटेंसी एंड स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं तो अगर हम अक्रेडिटेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो इससे आपको एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाता है आपको एक्सेस मिल जाता है ग्लोबल मार्केट का यानी कि अब आप सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते आप ग्लोबली भी टेस्टिंग कर सकते हैं टाइम एंड मनी आपको यहाँ पर एफिशिएंट आपका हो जाता है यानी टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है आपका मनी बहुत ज़्यादा सेव होता है कस्टमर का कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है आपके रिजल्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है और हर चीज़ के लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है कंटिन्यूल इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यानी कि आपका ग्रोथ रुकता नहीं है एट अ सर्टन पॉइंट ऑपरेशनल कंट्रोल आपका अच्छा हो जाता है एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट आपके हो जाते हैं कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है साथ ही साथ आपके डिफेक्ट का जो प्रिवेंशन होता है वो भी कम हो जाता है वहीं अगर हम लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो इससे कस्टमर के लिए इजी हो जाता है लैब के रिजल्ट्स और सर्विसेज पर ट्रस्ट करना इससे लैब की टेस्ट रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है कस्टमर्स ईजिली लैब्स को ढूंढ पाते हैं और सर्विसेज को ट्रस्ट कर पाते हैं टाइम और मनी दोनों का रिडक्शन होता है और रीटेस्टिंग की नीड भी नहीं पड़ती है एन के दोस्तों अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सी उसके बाद दोस्तों दोनों हैंड पर राइट right और लेफ्ट हैंड पर हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स डिफरेंट ज्वाइंट डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहां पर दोस्तों डायरेक्टर के अंडर में दोनों साइड पर आप देख सकते हैं छह डायरेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट वर्किंग को देख रहे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड पर यहां पर जॉइंट डायरेक्टर हैं जिनमें शामिल है असेसर सफिशेंसी कैलिब्रेशन इंटरनेशनल एंड न्यू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इनकमिंग एप्लीकेशन ऑपरेशनल टेस्टिंग ऑपरेशन कैलिब्रेशन एंड असेसमेंट सफिशंसी टेस्टिंग वहीं अगर हम अपने राइट right साइड पर देखें दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्यू ए अपील्स रेगुलेटरी कंप्लाइंस कंप्लेन ग्रेवियंसिस एंड आर टी आई इंफॉर्मेशन कंप्लाइंस मोनिटरिंग डायरेक्टर पी टी पी एंड आर एम पी असैसर ट्रेनिंग ऑपरेशन मेडिकल और कंपिटेंसी मैनेजमेंट इंटरनेशनल असेसर मोनिटर तो यहाँ पर दोस्तों जॉइंट डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं अंडर द डायरेक्टर्स अगर वहीं हम जॉइंट डायरेक्टर्स के नीचे बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर यानी कि डी ओ यहाँ पर दोनों साइड पर आप डिप्यूटी डायरेक्टर्स देख सकते हैं जिनके अलग अलग रोल होते हैं तो इस तरह से दोस्तों एनबीएल फंक्शन करता है जिसमें आपने देखा सबसे ऊपर आपको सीई ओ देखने को मिलते हैं सीईओ के अंडर में आपको दो डायरेक्टर देखने को मिलते हैं डायरेक्टर के अंडर में दोस्तों आपको यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग एरियाज ऑफ वर्क को देखते हैं वहीं जॉइंट डायरेक्टर्स के दोस्तों अंडर में हमें देखने को मिलते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों जैसे आप देखें राइट right साइड पर तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अकाउंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर वहीं अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो डिप्यूटी डायरेक्टर के अंडर में आपको देखने को मिलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अक्रेडिटेशन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो इस तरह से दोस्तों एनीबिल फंक्शन करता है अक्रेडिटेशन प्रोसेस को करने के लिए सो so, जब आप एनीबिल के अप्लाई करते हैं तो ये टॉप मैनेजमेंट से बॉटम मैनेजमेंट इस तरह से फंक्शन करता है दोस्तों फ्रेंड्स अभी के टाइम में अगर हम इंडिया में करंट एक्टिव लैब्स की बात करें तो इस समय छः हज़ार पचास से ज्यादा एनिबीएल लैब्स अक्रेडिटेड हैं और फंक्शन कर रही हैं अंडर एन accreditation। बी एल अक्रेडिटेशन तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एन बी एल कैसे काम करता है और एनिबीएल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं साथ ही किन लैब्स को अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों हमने यहाँ पर शेयर की है आपके साथ और ऐसी ही वीडियोस तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा कि हम आपके लिए लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़िए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ जिससे कि आपको सभी तरह की क्रेडिटेशन से जुड़ी वीडियोस मिलती रहे हमारे चैनल पर दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद